तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, ये हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ये नेटवर्क के ऊपर होने वाला है कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, उस मोबाइल फ़ोन के अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं। आज की हमारे पास जो प्रॉब्लम होने वाली है कि नेटवर्क की समस्या को कैसे रिपेयर किया जाता है, या जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फोन में नेटवर्क को ठीक करने का तरीका क्या है, उसके बारे में आज हम आपको वीडियो देने वाले हैं। सबसे पहली बात क्या है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं मोबाइल फोन में आने वाले डिस्प्ले हैं, लाइट है, या स्पीकर रिंगर माइक है, चार्जिंग है, इस तरीके से बहुत सारे जो मोबाइल फोन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको ठीक करने के बारे में मैं एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ताकि बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ सकें कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सिखाया जाता है और रिपेयरिंग सीखने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और जब आप ट्रेनिंग के लिए मेरे पास आएंगे कि किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स सिखाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है, और थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम में आपको सिखाया जाता है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक ऊपर चलते हैं कि हमारे पास मोबाइल फोन आता है, उसमें नेटवर्क की समस्या आती है, तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे। सबसे पहली बात क्या है, मोबाइल फोन के अंदर जो नेटवर्क का टॉपिक होता है बहुत बड़ा होता है। आपके पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं, अगर उस मोबाइल फोन में नेटवर्क की समस्या आती है तो नेटवर्क को चेक करने का तरीका क्या होता है, या उसको रिपेयरिंग करने का स्टेप क्या होता है, इसके बारे में हमको समझना बहुत जरूरी होता है। और नेटवर्क का जो टॉपिक है, आपस में अपने आप में देखा जाए तो काफी बड़ा है, और इसके बारे में पूरा अच्छे से पहली बात तो डिटेल पता होनी चाहिए। जब हमको डिटेल पता होगी तभी हम लोग अच्छे से सीख पाएंगे और अच्छे से जानकारी ले पाएंगे। सबसे पहले नेटवर्क के बारे में मैं कम से कम आपको 4 से 5 वीडियो देने वाला हूँ। चार पांच तरीके की वीडियो देने वाला हूँ कि आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क की समस्या आएगी तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे, और नेटवर्क में हमारे सर्किट कैसे कैसे काम करते हैं, या क्या सर्किट होता है। सबसे पहली बात तो हम लोग सीखेंगे कि हमारे मोबाइल फोन में 2G और 3G के सर्किट क्या होता है नेटवर्क का। फिर हम लोग सीखेंगे कि हमारे मोबाइल फोन में 4G नेटवर्क का सर्किट क्या होता है। फिर हम लोग समझेंगे कि हमारे मोबाइल फोन में 5G नेटवर्क का सर्किट क्या होता है। फिर हम लोग समझेंगे कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो बैंड होते हैं, या नेटवर्क के लिए जो स्विचिंग बैंड्स लगे होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनका क्या रोल होता है, कैसे मोबाइल फ़ोन में 4G हो जाता है, कैसे 5G हो जाता है, ऑटोमेटिक कैसे सिलेक्शन होता है, नेटवर्क कैसे सिलेक्टेड होते हैं, इन सब चीज़ के बारे में समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि नेटवर्क में जो प्रॉब्लम आती हैं उनका सोल्यूशन क्या होता है, किस कारण से मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती है, उनको आप लोग रिपेयर कैसे करेंगे, उनको टेस्टिंग कैसे करेंगे, उनके बारे में टोटली एक वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप हम आपको पूरा टोटल वीडियो देंगे। ये आपके नेटवर्क के कम से कम 5 से 6 पार्ट हैं। हम आपको बोर्ड में भी समझाएंगे, पहले उसको ब्लॉक डायग्राम समझाएंगे, उसका तरीका समझाएंगे, उनका कॉन्सेप्ट समझाएंगे, रिपेयरिंग करने का स्टेप समझाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे एक एक करके स्टेप बाई स्टेप पूरा प्रॉब्लम को समझेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग नेटवर्क की समस्या को रिपेयर करने का तरीका क्या है, इसके बारे में आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी तो उसको रिपेयर करने का तरीका क्या है, या उसका रिपेयरिंग करने का स्टेप क्या होने वाला है, इस तरीके के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। और ये आज आपका हमारा टॉपिक होने वाला है कि मोबाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी तो उसको कैसे आप रिपेयर करेंगे, मोबाइल फोन में नेटवर्क की समस्या को रिपेयर करने का तरीका क्या है। जो भी मोबाइल फोन आएंगे, अगर उसमें नेटवर्क की समस्या आएगी तो उसमें आप किस तरीके से रिपेयर करेंगे, उसके बारे में मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो बता कर दे रहा हूँ और आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं कि हमारा नेटवर्क काम कैसे करता है, मोबाइल फोन में नेटवर्क आता कैसे है, कहाँ से नेटवर्क की टेस्टिंग होती है, कहाँ से नेटवर्क की चेकिंग करी जाती है, कैसे आप नेटवर्क को पहचानेंगे बोर्ड में, नेटवर्क को पहचानने का तरीका। सबसे पहला क्या नेटवर्क को पहचानने का तरीका, कि आपके मोबाइल फोन में जहाँ पर भी एंटीना का पॉइंट होता है, इंटरनल एंटीना का पॉइंट होता है, एक्सटर्नल एंटीना का पॉइंट होता है, वो हमारे मोबाइल फोन में नेटवर्क सर्किट होता है, नेटवर्क सेक्शन होता है। नेटवर्क सेक्शन की पहचान जो होती है वो एंटीने से करी जाती है। एंटीना आया, सिग्नल आया, सिग्नल का मतलब नेटवर्क आया, तो एंटीने से हमारे नेटवर्क की पहचान करी जाती है। नेटवर्क को पहचानने के लिए आपके मोबाइल फोन में एंटीना के ऐसे पॉइंट्स बने होते हैं, 1, 2, 3 पॉइंट बने होते हैं, किसी एक पॉइंट में GSM लिखा होता है।
बाकी जो दो पॉइंट होते हैं इन दो पॉइंटों पे ग्राउंड भी लिखा होता है, ऐसा भी होता है। जो जीएसएम वाला पॉइंट होता है, जीएसएम वाले पॉइंट से आपकी सप्लाई जो लाइन होती है वो आगे आती है। बीच में कई बार ऐसे कंपनी रेजिस्टेंस लगाती है। अच्छा, ये जो मैं सर्किट आपको बताने वाला हूँ, ये सबसे पहले 2G का सर्किट समझाने वाला हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके जितने भी सारे सर्किट हैं, सारे सर्किट के बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। इसके दो चार अलग अलग वीडियो भी बनेंगे ताकि आप सारे वीडियो को देखें और सारे पार्ट को देखें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अगर एक बार में इतना सारा दिमाग में समझा दूंगा तो आपके दिमाग में घुसेगा भी नहीं और आप समझ भी नहीं पाएंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं आपको छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो समझाऊंगा ताकि वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ सकें और वो आपके दिमाग में आए और उसके माध्यम से आप मोबाइल फ़ोन ठीक करें और आपको काम करने का तरीका समझ में आए। तो ये आपका एंटीना लगा होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है, फिर एक गोल्डन कलर का एंटीना लगा होता है जिसको हम लोग इंटरनल एंटीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरनल एंटीना। ये इंटरनल एंटीना हमारा आगे जाता है, फिर उसके बाद इंटरनल एंटीना के बाद आगे जाने के बाद फिर हमारी सप्लाई जाती है PFOIC के अंदर। PFOIC को काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए होते हैं। ये वोल्टेज तुम्हारे बैटरी कनेक्टर के माध्यम से आते हैं। यहां पर PFO को काम करने के लिए 3.7 वोल्टेज चाहिए होते हैं। 3.7 का मतलब जो बैटरी के जितने वोल्टेज होते हैं सारे बैटरी के वोल्टेज यहाँ पर आ जाते हैं। PFOIC क्या काम करती है? अपने अंदर से दो सिग्नल निकालती है, एक सिग्नल होता है RX, दूसरा सिग्नल होता है TX। ये RX TX सिग्नल जो होते हैं ये तुम्हारे आगे जाते हैं और बीच में आपके लगे होते हैं BPF। BPF को बोलते हैं हम लोग बैंड पास फिल्टर। ये आपको मोबाइल फोन में BPF लगा होता है जिसको बोलते हैं बैंड पास फिल्टर। फिर उसके बाद सिग्नल तुम्हारा फिल्टर होकर के आगे चला जाता है और ये तुम्हारे सिग्नल चले जाते हैं CPYC के अंदर। CPYC जो आपके मोबाइल फोन जो नेटवर्क आते हैं उस नेटवर्क को एक्सेस करती है। अच्छा, नेटवर्क एक्सेस करने के साथ साथ CPU में हमारा एक क्रिस्टल भी लगा होता है। ये ऐसे क्रिस्टल लगा होता है, क्रिस्टल के जो पॉइंट्स होते हैं ये ग्राउंड होते हैं। उसके बाद दो पॉइंट्स होते हैं ये तुम्हारे CPU से कनेक्ट होते हैं जिससे हमारे CPU के माध्यम से ये सिग्नल जनरेट होते हैं। इस क्रिस्टल बोलते हैं इसको। ये आपका क्रिस्टल होता है। तो यदि आपके पास ये नेटवर्क का मोबाइल फोन में काम करने का तरीका होता है कि सबसे पहली बार जो सिग्नल आएगा एंटीना पे आएगा, एंटीना से इंटरनल एंटीना पे जाएगा, PFO भी चला जाएगा। PFO को काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए होते हैं। PFO को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? वोल्टेज चाहिए होता है। कितना वोल्टेज चाहिए होता है दोस्त? 3.7 वोल्टेज। जब PFO को 3.7 वोल्टेज मिल जाएगा तो PFO अपने अंदर से सिग्नल को जनरेट करेगा। ये सिग्नल दो तरह के सिग्नल निकलते हैं, एक होता है RX, दूसरा सिग्नल होता है TX। RX TX सिग्नल दोनों निकलने के बाद ये सिग्नल तुम्हारे चले जाते हैं BPF पर। अब BPF से सिग्नल फिल्टर होने के बाद वो सिग्नल चले जाते हैं CPYC के ऊपर। CPYC उस क्रिस्टल के माध्यम से फ्रिक्वेंसी को जनरेट करती है, सिग्नल को जनरेट करती है और आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क एक्टिवेट होता है, नेटवर्क आपके मोबाइल फ़ोन में आना चालू हो जाते हैं। तो ये आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क आने का तरीका होता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क की समस्याओं को इस तरीके से आपस में कनेक्टिविटी जिसको हम लोग चेक करते हैं। अब बारी आती है कि आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आएगा जिसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको रिपेयर कैसे करेंगे, आप उसको चेक कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आता है नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो पहली बात आप फ़ोन खोलने से पहले आप ये देखें कि आपका सिम प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। सबसे पहली चीज़ आप वो देखें, सिम कार्ड उसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब अंदर सेटिंग में जाकर देखें उसमें एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जो भी तुमने सिम डाला है उस सिम के प्रेजेंट लिख करके आएगी पहली चीज़। सिम प्रेजेंट के बाद आप तुरंत मोबाइल फ़ोन में IMEI नंबर चेक कर लें, *06#, उससे IMEI नंबर चेक करने से ये पता चल जाएगा। अगर IMEI नंबर दिखा रहा है तो आपका IMEI नंबर सही है, सिम को रीड करेगा। अगर IMEI नंबर नहीं है तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिपेयर करें, आपको हार्डवेयर टच करने की कोई भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
अगर सिम कार्ड प्रेजेंट नहीं हो रहा है तो भी आप नेटवर्क को रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, पहले सिम कार्ड को प्रेजेंट को लाएं तभी आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क पकड़ेगा। दो चीज़ें आपने देख ली, दो चीज़ देखने के बाद फिर आपको मोबाइल फ़ोन खोलना है। मोबाइल फ़ोन खोलने के बाद सबसे पहला काम करना है कि आपको एंटीना के जो पॉइंट्स होते हैं, एंटीना के पॉइंट्स को क्या करना है, साफ करना है। सबसे पहला काम, जैसे आप एंटीना के पॉइंट को साफ करेंगे तो एंटीना पॉइंट को साफ करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क आ जाएंगे। अगर मान लिया आपने एंटीना पॉइंट को साफ किया और साफ करने के बाद भी आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क नहीं आते, तो अगर लूज एंटीना की वजह से नेटवर्क की समस्या आती है तो सही हो जाती है, अगर नहीं आती तो फिर आप एंटीना से लेकर के आप इंटरनल एंटीना तक जम्पर मार देंगे। जैसे जम्पर मारते हैं तो जम्पर मारने से नेटवर्क आपका स्ट्रांग हो जाता है और आपके मोबाइल फ़ोन में टावर आना चालू हो जाते हैं, फिर भी आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क नहीं आते तो आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि बैटरी कनेक्टर के प्लस से सप्लाई होकर के ये सप्लाई तुम्हारी कहाँ पर जाती है, PFO IC तक जाती है। तो PFO IC के बाद में जो कैपेसिटर लगा है यहाँ पर देखें वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अगर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो इसकी जो कनेक्टिविटी है ये बैटरी कनेक्टर तक चेक करें कि बैटरी तक कनेक्टिविटी है कि नहीं, अगर बैटरी कनेक्टर तक कनेक्टिविटी नहीं है या किसी कारण से ब्रेक हो जाती तो यहाँ से लेकर बैटरी कनेक्टर के प्लस तक आप जम्पर मार देंगे और मोबाइल फ़ोन में PFO को वोल्टेज मिल जाएंगे, और जैसे PFO को वोल्टेज मिल जाएंगे तो तुरंत फट से आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क आ जाएंगे, PFO एक्टिव हो जाएगा। अब PFO IC क्या काम करता है, अपने अंदर से RXTH सिग्नल जनरेट करता है, वो RXTH सिग्नल BPF के माध्यम से फिल्टर होने के बाद CPU पे जाते हैं, और CPU उन क्रिस्टल में से नेटवर्क उन्हीं को सिलेक्टेड करता है जो आपके क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। तो कई बार सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में ऐसा देखा जाता है मोस्टली क्रिस्टल ख़राब होने की वजह से प्रॉब्लम आती है कि नेटवर्क नहीं आते, ये नेटवर्क कम बिल्कुल उड़ जाते हैं, क्रॉस बन के आता है, या थोड़ी देर बाद कभी कभी आ जाएंगे कभी कभी नहीं आएंगे, अपने मन से जब मर्जी होगा तब आएंगे जब मर्जी नहीं आएंगे। तो उस कंडीशन पर हम लोग क्या करते हैं, जो क्रिस्टल IC होती है, जो क्रिस्टल लगा होता है, इसको हम लोग एक बार पेस्ट लगा कर रिसोल्ड करते हैं, निकाल कर दोबारा लगाते हैं, निकाल कर दोबारा लगाने से आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क आ जाते हैं। इसका काम होता है फ्रिक्वेंसी को जनरेट करना, ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है जिसके आपके मोबाइल फ़ोन में सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ती है और सिग्नल कैच होते हैं। अब BPF को रिसोल्ड कर लिया फिर भी मोबाइल फ़ोन में यदि नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो सेटिंग में जा करके मैनुअली सर्च करके देख लो, अगर मैनुअली सर्च करने के बाद भी कोई नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो उस कंडीशन पर आप PFO IC को रिसोल्ड करेंगे, नहीं तो PFO IC को रिसोल्ड करने के बाद नहीं होगा तो PFO IC को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। PFO IC चेंज करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर PFO IC चेंज करने के बावजूद भी आपके मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर आपको PFO IC क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर रिसोल्ड करने के बाद नहीं सही होता तो PFO IC चेंज करना पड़ेगा, किसी भी दूसरे खराब मोबाइल फ़ोन से सेम नंबर के PFO IC को आप एक दूसरे में आपस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं या जो भी हैंडसेट आते हैं उस हैंडसेट के अंदर यदि नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो नेटवर्क को रिपेयर करने का तरीका क्या है, ये नेटवर्क की समस्या को आप स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करेंगे, उसको किस तरीके से आप ठीक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया कि नेटवर्क के बारे में हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे या नेटवर्क को रिपेयर करने का तरीका हमारा क्या होता है। तो आज हम लोगों ने जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझा है ये 2G नेटवर्क को तरीका सीखा है, कल हम 3G 4G 5G एक एक करके सारे नेटवर्क के सारी सीरीज को समझेंगे, और ये सारा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको नेटवर्क रिपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा और नेटवर्क को ठीक करने का तरीका भी आपको आसानी से आ जाएगा। छोटे फ़ोन से लेकर के स्मार्टफोन तक के आप सारे नेटवर्क के तरीके को आप ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को आप अच्छे से देखें, वीडियो को समझें, इस वीडियो से संबंधित चैनल में और भी बहुत सारा वीडियो पड़ा है, उन वीडियो को भी वॉच करें, वीडियो वॉच करने के बाद फिर आप डिसाइड करें कि इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो नीचे दोस्त एक पॉजिटिव मैसेज भी करें, और पॉजिटिव मैसेज के साथ साथ आप जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ उनको कॉपी में नोट बनाएं, उनको समझें, उनको सीखें, ताकि एक एक करके सारी बातें आपको समझ में आ जाएं। और अगर आप फ्रेशर हैं, इस लाइन में पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या 2-3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल से इस लाइन में काम कर रहे हैं और अगर फिर भी आप पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या ए से लेकर जेड तक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कंप्लीट मास्टर बनना चाहते हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर जो पड़ता है ये सागर मार्केट में पड़ता है, ये सागर मार्केट में पड़ता है, यहाँ पर आपको ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का तरीका सिखाया जाता है और रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। जब आप ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ों को सीख जाएंगे तो आप अच्छी तरीके से मोबाइल फ़ोन की शॉप को रन कर सकते हैं, शॉप को चला सकते हैं और पूरा कंप्लीट वर्किंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।